टेल मी अबाउट असल में जैसे ही बोलते ना, पहली चीज़ तो आप जो बैठते हो उसमें तगड़ा बैठना चाहिए, मतलब एकदम स्ट्राइट, थोड़ा सा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर आप पहली बार स्कूल बच्चे से बैठे हैं, सर कैसे भी ले लो मुझे, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लेवल के बाद वो देखते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। एक लाइन के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, लाइन के नीचे आप कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा हो जाएगा। सो लाइन पर रहना बहुत ज़रूरी है, दैट येलो लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग जनरल बैठ रहे हैं, हेलो सर, हाँ, तो हमेशा पैर जमीन पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा वैसा रखते हैं ना तो हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा पैर में। ओके, देखें ऐसा थोड़ा सा हाथ हमेशा रखिएगा, ठीक है, पने टाइम थोड़ा सा हाथ ऊपर रखें, हेलो सर हाई, ये लगेगा कि यू आर कॉन्फिडेंट। आप ऐसा बैठे ना तो लगेगा कि आप स्कूल में बच्चे हो और ऐसा बैठ के रिदम बोलते हो, करेक्ट। पहली चीज़ आपको ये चेंज करना है, राइट, ऐसा बैठ के हाई हेलो सर, माय नेम इज सुरेश चलम, एंड ऐसा चलो कर सकते। ओके, पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं हम लोग, माई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बोलने की जरूरत नहीं है, हाई माई क्वालिफिकेशन इज स्टार्टिंग हाई से स्टार्ट कर सकते हैं, वो वाला है। एंड पहले स्टार्ट विद योर नेम एंड व्हाट वेयर यू आर देयर, देन योर रेजिडेंस का हो गया, किधर हम रहते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन, उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस। जैसे आई स्टार्टेड, स्टार्ट फ्रॉम आप कॉलेज की बात क्या कर रहे थे, और कहीं पे भी मेरा बात ध्यान से सुनिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का दिखना नहीं चाहिए। आप भले ही बोल रहे हो कि मैं छोटा मोटा कंपनी में, नहीं, आई वॉज वर्किंग विद दिस कंपनी एंड देन दिस कंपनी एंड दिस कंपनी, दिस कंपनी आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस कंपनी आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस एंड दिस कंपनी आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, क्लियर। तो ये लाइन कभी भूलना मत, क्योंकि ये लाइन ऊपर जाते हैं तो गलत हो जाएगा, आपका लाइन हमेशा नीचे होता है, ठीक है ना, ये लाइन को आप ऊपर ले जाएगा, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज कम, यस सर, एंड हाउ कैन आई हेल्प यू, वो स्टार्ट हो गया, राइट। सो ये आप जनरल बता दो, और किसी भी हालत में कूल काम बात करते बीच में पॉज होना जरूरी है। हाय सर, माय नेम इज सुरेश चलम, आई रेजिडेंट कल्याण, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 23 ईयर्स, एंड ऐसा मतलब बीच में ऐसा डालना चाहिए, ऐसा डालना चाहिए, ऐसे, अरे बाप रे, ना उस तरह का, देखो हाई कितना मुझे पता नहीं, आपके पास जितना है, लेकिन आपको उस तरह का मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा, जो मैं आपको ये वीडियोस वगैरह बता रहा हूँ कि एडिट करना, ऐसा करना, कैसा करना है, राह में देखते तो अरे ये तो अपना बाजू वाला है, गली का लड़का है, ऐसा लग रहेगा, लेकिन आप एडिटिंग करके जैसे जो पॉइंट टू पॉइंट जिससे वो ट्रिगर बढ़ती है वो आपने बता दिया, तो उसका तरने का तरीका अलग होगा, राइट। सो बेटा ऐसा करके आपने स्टार्ट किया, उसमें एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो आपको स्टार्टिंग करने का टाइम ये करना है, सर व्हाई यू हैव चोज दिस फील्ड, उसका एक तगड़ा आपको तगड़ा पॉइंट इसमें डालना है। मैं नॉर्मली सब में बोलता हूँ, इंटर स्किल में सब लोग सिखाते हैं, टेल मी अबाउट असल में आपको ये बताना है वो बताना है, लेकिन मैं इसमें इतना घुस गया हूँ और उसमें कुछ मुझे मिला जो जाए कहीं पे भी नहीं है, वो है व्हाई यू वांटेड टू डू दिस जॉब, व्हाई यू आर डूइंग PHP, व्हाई यू आर इनटू IT, व्हाई यू आर इनटू सॉफ्ट स्किल, इसका एक तगड़ा रीज़न होना चाहिए। मुझे पता नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा, आप स्कूल से लेके कॉलेज से लेके बीच में कहीं ना कहीं एक जगह पे आपको ऐसा लगा होगा कि यस मेरा करियर तो इसमें बना है, वो रीजन क्या दुनिया, वो सच बताइएगा, क्योंकि वो सच आंखों में दिखती है, हाँ, तो आप पता करो उसका चीज़ क्या है। जैसे मैं ट्रेनिंग दो, मेरा साहस हर चीज़ में मेरा ट्रेनिंग होता है, तो आपको वो चीज़ सुनेगा, आपका पूरा इंट्रोडक्शन में जब ये चीज़ आप डालते हैं ना, आपका नौकरी पक्का है, क्योंकि एक चीज़ क्लियर हो गया, ये बंदा टाइम पास के लिए नहीं काम कर रहा है, ये बंदा नौकरी के लिए नहीं काम कर रहा है, ये बंदा अपना करियर बनाने के लिए काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ से भी जाने बोलूँ ना, दूसरे जगह जाके ये काम करेगा, ठीक है ना, वो चीज़ आपको ऐड करके इसके अंदर डालना है। जनरली बोलता हूँ, हम लोग गन्ने का जूस निकालते हैं, इंट्री हो गया, लेकिन बीच में एक लींबू रखता है ना, और जो स्वाद आता है, राइट, वही होता है कि आप बोलते हो कि यस आई लव दिस सॉफ्ट दिस इंडस्ट्री IT इंडस्ट्री बिकॉज दिस इज ह्यूज, ऐसा वैसा जो भी है, आप पता करो क्या है। बस इंट्रोडक्शन बोलते ये भी एक लींबू रख के छोड़ देना, और वो पीने में मजा आ जाएगा। सो दैट यू हैव टू ऐड इनटू इट। हाँ, सेकंड, बार बार आपको प्रिपरेशंस तगड़ा करना है, जो आपको जो हाईलाइट करना है उसमें अचीवमेंट्स आपको बता देना चाहिए।
सोचो आप कहीं पे भी आपने हर एक कंपनी में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट किया रहेगा, अचीवमेंट्स किया रहेगा, उसमें चार पांच अचीवमेंट्स में दो तीन अचीवमेंट्स तगड़ा होना चाहिए। जैसे मैं इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योरसेल्फ में मैं ऐसा बताता हूँ, आई वॉज इन अ कंपनी, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ गुजरात मार्केट, आई वॉज अ सेल्स पर्सन, माई टारगेट वॉज 40 फॉर सिक्स मंथ्स, आई हैव डन 400, ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव डन। एंड देर आर कंपनीज मैं कुछ आई हैव डन सम टारगेट वेयर स्टिल लेट टू अचीव, मेरा टारगेट मैंने जो करके दिया है वो आज तक रिकॉर्ड में है, किसी ने आज तक तोड़ा नहीं है, आज तक 10 साल के बाद भी मैंने इतना काम करके आया हूँ बस, और मैं किया उतना ही दो, ठीक है, और दो नहीं ज़्यादा हो सकता है लेकिन मैं बोलता हूँ, लेकिन ये दो ऐसा बोलता हूँ ना तो बोलेगा टाइम नहीं है इसके लिए बेचारा कुछ नहीं बताता, लेकिन होगा इसके बाद और 50 ऐसा लगेगा उसको, राइट। सेकंड मुझे बोलता है कि मैं शेयर मार्केट में था तो आई हुआ, मैं अकेले एक बंदा जॉइंट हुआ, मैं सर मैं अकेले था, मैं इधर उधर करते करते महीने में दो अकाउंट तीन अकाउंट क्लाइंट लाता था, फिर मेरे बॉस ने बोला तेरे अंदर कुछ अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी है, तू बंदे लोग को संभाल सकता है, तो बंदा क्यों नहीं रखता है। फिर मैंने ढूंढ ढूंढ के लड़के लोग कॉलेज कल्याण से लड़के लोग लेके आया, चार पाँच लेके आया, उसको ट्रेनिंग दिया उनको, मैंने कभी हार नहीं माना, मतलब कोई आते थे चले जाते थे, कोई आते थे चले जाते थे, फिर एक ऐसा तगड़ा मिला वो सॉलिड काम करने लगा, फिर उसने पाँच ही लड़का लेके आया, ऐसा करते करते 35 लड़के मेरे टीम में आ गए। तो मैंने पहले से मैंने 6 मंथ्स के अंदर मेरे पास कम से कम 30 पे लड़के काम करते थे, एंड ऑल और ऑन कमीशन बेसिस, कंपनी को कोई खर्चा नहीं, पैसा आया तो देने का। मैंने बोला कि मेरा दो अकाउंट है उससे मैंने 250 अकाउंट पर महीना मैं किया, दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, राइट। तो दो अकाउंट से 250 अकाउंट कितना हो गया। सो ये जो अचीवमेंट्स है आपको बताना है। देखो सब लोग आके बोलेंगे सर मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मेरा घर इधर है, मम्मी पप्पी पापा इधर है, हाउस ऑफ एवरीथिंग देयर से, व्हाट इज डिफरेंट इन यू, आप अलग क्या हो। अगर ढूंढो भले ही बाकी लोग के लिए नॉर्मल होगा लेकिन आप कुछ अलग अचीवमेंट मतलब अभी तो मेरे वेबसाइट के लिए कुछ भी हो सकता है सर, आप कुछ 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 है प्रोजेक्ट तो अच्छे थे, यस वो चीज के बारे में आज आपको नहीं मिल रहा है लेकिन कल रात तक आपको मिल जाएगा, चार पांच मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ढूंढो क्या है, यू मुझे पसंद है, यस जिसमें मैंने ज्यादा अच्छे यस अच्छा किया, और तारीफ भले ही आपने एक रिदम बोला मम्मी पापा ने बोला वाह 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 बेटा क्या बोलता है, यस। लेकिन अगर जैसे आपने जितना अभी तक इतना बोला अगर मेरा कम ही खत्म हो गया तो चलेगा। नहीं नहीं आप हाँ ऑब्वियसली यार मेरा 23 साल का है तो मेरा होगा ही, दो चीज आप ढूंढेगा, दो या तीन ही मैं बता रहा हूँ, मेरा 25 साल का होगा तो मैं तीन ही बताऊंगा, लेकिन उसमें जब हाईएस्ट है आपको सुन के ऐसा लगेगा ना वही चीज बताऊंगा। आपको भी आपका 3 साल 3.5 साल में ढूंढ ढूंढ के अभी यहाँ पे भी अभी भी मुझे 6-7 कॉल्स आता है, आई डोंट पिक अप, आई हैव अ वैकेंसीज बट आई वांट द राइट चॉइस, दैट्स व्हाट। आपका नसीब अच्छा है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप लकी हो मैं आ रहा हूँ, बोलेगा नहीं ऐसा फील कराने का और एकदम नम्रता से फील करना, ठीक है। आई वॉज जस्ट गेटिंग सम कंसल्टेंट्स कॉल 3-4 33 कॉल्स यू नो, बट माई विजन इज डिफरेंट, माई करियर आई वॉन्ट टू मेक इट इज अ डिफरेंट, वॉट आई वॉन्ट इन लाइफ इज डिफरेंट, आई वॉन्ट दिस, आई एम गेटिंग ऑफर्स, ऐसा सॉफ्ट से बोलने। हाँ मैं बोला ना ये लाइन आपको हमेशा याद रखना, ये लाइन पे अभी मैं पहले बोला वो चर्बी था यू नो, वो ढंग से बोलेगा तो उधर ही भगा देगा वो, ठीक है, लेकिन नीचे भी नहीं फिर वो मजा नहीं आएगा, लेकिन लाइन आप बोलते हो हाँ हाँ सर मैं अभी तक तो कुछ 20,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया है और इसमें कुछ ऐसा डॉक्टर्स इंजीनियर्स ये सब है, ये फैक्ट है, लेकिन लगे आ रहे ऐसा बंदा है क्या, ओके फाइन, और मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ रिटेल, इसका मारुति का सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, इसका है फ्यूचर ग्रुप, ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसा तगड़ा 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 आपको देना है, तो यू हैव टू ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ही आपका इंटरव्यू खत्म, मतलब उधर ही आपका ठीक हो जाएगा, वो जो तगड़ा फीलिंग आप देते हो ना वो बंदा ये हट के है, ये जो 50 बंदे बैठे हैं उसमें से ये नहीं है, ये कुछ अलग है, वो क्लियर कट उसको पता चलेगा सही है गलत है, तो आपको ये सब चीज़ करना है, ठीक है, ये हो गया ये हो गया हो गया, फिर आप क्यों कर रहे हो ये भी बनाना है। सो आपको स्टार्टिंग में उसने पूछा नहीं आपका अचीवमेंट क्या है, तुम पूछे तो नहीं हुआ, मेरे को बताना यार। ये मौका है जो मैं मेरे बारे में पूरा बता सकता हूँ, क्योंकि बाद में मौका मिले नहीं मिले आपको वो मौका दिए हैं कि व्हाट वॉज योर अचीवमेंट्स, फिर वो ढूंढना
या तो फिर नहीं बताना, उसे अच्छा ये टिप में आप बता देना चाहिए। अपने आप को पहले से एक एस्टेब्लिश्ड एक वे से प्रोजेक्ट करना ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो मेरा इतना जरूरी है, कोई आगे बढ़ता है यस सर, मैं आगे बैठा बोलता है हाँ हला या फिर मेरा सी वी देखा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मैं पूछा मैं टेल मी अबाउट आपका शुभ नाम ये आप यहाँ पे क्या पोस्ट क्या करते हैं यहाँ पे ना आई एम एचआर जूनियर एग्जीक्यूटिव ओके सॉरी आई नीड समबडी फ्रॉम आई आर अथॉरिटी हूम आई कैन गिव इंटरव्यू, कोई है ऑफिस में मुझे नहीं है सर मैं हूँ, कौन है नहीं वो बाहर गए कब आएंगे ही विल कम टुमारो डे ठीक है देन अरेंज इंटरव्यू आफ्टर दैट। आपके जैसे चिंटू लोगों में इंटरव्यू नहीं दे सकता हूँ, मेरा लेवल अलग है और तुम्हारा हक भी नहीं होता कि मुझे पूछने के लिए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ यू डोंट हैव एनी अदर सीनियर पीपल पोलाइटली नहीं सर नहीं है ओके ठीक है देन रीशेड्यूल ट्रेनिंग राइट वेलकम असम अदारी थैंक यू। ऐसे बोलते हैं ओके सर, क्योंकि बोलने का ढंग से मालूम पड़ता है कि यह है और मैं तो इधर बैठे बैठे 400 इंटरव्यू लिया हूँ, हर एक बंदे का इंटरव्यू लिया हूँ, सब पूछ लिया तो मुझे पता है ना, तो वो आने का स्टाइल बैठने का स्टाइल पूछने का जैसे पता है ये कहीं से क्या जूनियर यार ये क्या मुझे इंटरव्यू लेगी यार, सीधा मुँह पे बोलता और निकल आता हूँ और उसके बाद शेड्यूल रीशेड्यूल करता उसके बाद मैं जाता हूँ। पर्टिकुलरली ये मेरे ख्याल से परेल में कुछ एक जगह पे वहाँ पे मैं किया था फिनिक्स मिल में इधर उस बाजू में मुझे आज भी याद है मेरा पूरा दिन वेस्ट हुआ हाफ डे का। नहीं वो सब नहीं मत जाओ मैं बोल रहा हूँ देखो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना तक होना चाहिए कि पहले हम तो अपना बोलने में तले हुए हैं, तो बोले तेरा अवकात क्या है तू मेरा इंटरव्यू क्या कौन लेगा तू तेरा नाम क्या है तू क्या करता है यहाँ पे तेरा पोजीशन क्या है ना मैं टाइम पास नहीं कर सकता हूँ तेरे साथ, तेरा कोई है तुम लोग सीरियस है जॉब के लिए तो उस तरह का लोगों को बोला मैं उसको इंटरव्यू देता हूँ तेरे को नहीं इंटरव्यू दूंगा ऐसा बोलता नहीं हूँ सो आई पोलाइटली बेके निकल जाता हूँ। सो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना इस तरह का होना चाहिए। अब क्या कभी इंटरव्यू देने टाइम बोलता हूँ आई स्टार्ट विद जनरली आई हैव टेकन 200 इंटरव्यू सो फॉर 200 प्लस इंटरव्यू ऐसा कभी बोलता था इंटरव्यू देने के टाइम, तो कभी उसको लगता था कि ये मतलब ये थोड़ा चढ़ा हुआ इसको ऐसा भी लगेगा या लगेगा कॉन्फिडेंस है पता नहीं वो कैसे लेगा इसके हिसाब से। तो सिंपल सिंपल इंटरव्यू आप एक तगड़ा बोलते हो ना उधर ही खत्म हो गया। सेकंड मैं बोलता हूँ यहाँ पे कहीं पे भी आप इंग्लिश का टेंशन मत लेना ठीक है, अगर आप इंग्लिश सीखोगे भी ना तो वो फ्लो नहीं आएगा जो आपका मातृभाषा से जो आती है राइट। स्टार्ट तो करना हाय माय नेम इज विनोद कुमार एंड आई स्टेट कल्याण एंड मेरा इसमें एक्सपीरियंस ऐसा है और एंड ऑल्सो आई हैव कंप्लीटेड माय दिस वन ठीक है, उसको लगेगा ही नहीं कि आप हिंदी में बात कर रहे हो कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, मतलब दोनों भी चलेगा दोनों भी आपको करना है, उसको कभी एहसास नहीं दिलाना है कि आपको हिंदी नहीं आता है ना इंग्लिश नहीं आता है, वो दोनों में मास्टर है यार। हाँ मतलब अरे ये तो क्लिक करने दो सही में ना, मुझे आज तक याद नहीं है मैं कहीं पे भी जाके पूरा इंटरव्यू मैंने इंग्लिश में दिया मुझे याद नहीं है, सीधा मैं हिंदी में आ जाता हूँ, मतलब वो जो भावना आती है ना वो आपको इंग्लिश में नहीं आएगी, सेकंड सामने वाले भी नहीं सुन मुझे मैं भी अभी तो आते नहीं है मुझे लेकिन जहाँ पे अटकता हूँ मुझे मैं बोला लेकिन उसको लगना नहीं चाहिए कि आप अटक रहे हो उसके लिए बोल रहे हो, वो आपका फ्लो में आना चाहिए हाँ आपको ऐसा उनको फील नहीं होना चाहिए आप जनरली और जो आप लैंग्वेज स्टार्ट करते हो ना वो स्टाइल से स्टार्ट करना है, जैसे अबाउट माय लाइफ अबाउट माय फैमिली नहीं अबाउट माय फैमिली माय मॉम एंड माय वाइफ इज हाउस मेकर उसमें भी आप सॉलिड बोल सकते हो दे आर द हाउस मेकर ओके तो वो भी लगेगा बंदा ये भी अलग से देखता है मतलब वाइफ को भी ऐसा हाउस वाइफ जैसा नहीं देखता है इज अ मेकर शी इज अ होम मिनिस्टर दे बोथ आर होम मिनिस्टर्स वो हंसेगा। अब आपको पता है मैं इंटरव्यू में जाके बैठ के भी मैं ऐसे बात किया हूँ सर मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती है वो भी हंसता है हाँ मेरा भी ऐसे यार सर आप लोग दोनों आप सोच सकते हो इंटरव्यू में ऐसा बैठ के इतना समझने का। तो कुछ लेवल पे आपको ये सब कॉमेडी देख के मतलब आप थोड़ा उस तरफ एक पोजीशन में हो तो आप वो सब बता सकते हो और बंदा भी लगेगा अरे यार इसके साथ जेल हो सकता है तो इसके साथ काम करना है ना ऐसे एक फील आएगा उसके साथ, तो आपको ये थोड़ा सा स्टार्ट करके बना ठीक है। एनीवे रिकैप वन सेकंड सिटिंग बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट थोड़ा सा हैंड मूवमेंट दिखना चाहिए, मैं इसके लिए हाथ को कवर किया ना हैंड मूवमेंट दिखना चाहिए, जब हैंड मूवमेंट देखते ना आप स्कूल का एकदम नहीं बोलते हो ऐसा लगेगा ओके। पहले तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा कि आपकी हाईलाइट्स क्या है आप कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ ना मैं उसके पीछे बहुत काम किया है, कभी भी मैं इतना परफेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि अपना तो कुछ भी चल जाता है इसके लिए चलता हूँ, लेकिन आपको परफेक्ट करना है कि आप कौन सा लाइन बोलोगे
कब आप पॉज लोगे और कब स्टार्ट करोगे, उसमें क्या क्या बोलोगे, क्या क्या नहीं बोलोगे, वो सब क्लियर अपने को स्ट्रक्चर करना है। सेकंड, जो इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ ना, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो भी इंट्रोडक्शन करते हैं ना उसके बाद उसको क्यूरियोसिटी आना चाहिए, इसमें अंदर है क्या यार, और क्या है वो आप फील दे रहे हो क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो भूल के थक गया, अच्छा और क्या पूछ, ठीक है ओके, ये जस्ट वेट, आई विल कम आउट सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। आप ऐसा बोल के छोड़ दो, फिर बोले हाँ यार कुछ समझा मेरे बात, आपको जो भी रोड पे भी कोई मिलता ना उसे बात करते ना, आप क्या करते हो, आई जस्ट चेंज लाइफ, मतलब पूछने का ना इसके लिए, अगर मैं बोलूँ मैं ट्रेनर हूँ, काय का ट्रेनर है, छोड़ के चला जाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बोलूँगा हाँ मैं लोगों को जिंदगी चेंज करता हूँ उसका, आप ये सुन के जाओगे नहीं, जरूर पूछोगे कि ऐसा क्या करते हो रे, ऐसा भले मेरा जितना भी ट्रेनर्स ट्रेनिंग है ना, जो ब्यूटिशियंस है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हर एक का उनको बोलता हूँ, किसी ने ज्वेलरी बेचते हैं ना तो उनको पूछा कि आप क्या कर रहे हो, वो सब उनको पता नहीं था, मैं उनको बताऊँ, आप बोलते हाँ मैं लोगों को सुंदरता बनाता हूँ, ऐसा कैसा, नहीं वी सेल ज्वेलरी, ऐसा ब्यूटिशियंस बोलते हैं वी मेक ह्यूमन वेरी ना, लोगों को ब्यूटीफुल बनाते हैं, ये बोलते हैं, हर एक को एक एक आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आपका सॉफ्टवेयर जो भी कर रहे हो उसमें ये थोड़ा ओवर हो गया, आपको बाहर किधर मिलना तो उसमें कर सकते हो, लेकिन उसका थोड़ा सा एसेंस आपको ये इंट्रोडक्शन से रखना चाहिए कि ये बंदा बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे और सुनना चाहिए। मेरा कभी कभी कितना इंटरव्यू ना 20 मिनट बोल के दो दो घंटा चला है, दो ढाई घंटा तक चला है, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी आपको ऐसा छोड़ देना चाहिए ताकि वो बंदे आपके ऊपर कंटिन्यूस सुनते रहे। क्लियर है, मेरे गल से सब कवर गया, ये तो एक ही पॉइंट में इतना निकला, आगे देखते हैं। थैंक यू।